नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वैशाली चौधरी, अंकुर फर्टिलिटी सेंटर पुणे से। मैं हूं डायरेक्टर आईवीएफ और फर्टिलिटी की सह्याद्री हॉस्पिटल मॉम स्टोरी की। और आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पे बात करने वाली हूँ। मैं आपको वेरियस बर्थ कंट्रोल मेथड्स और उसके साथ जो गलत फहमियाँ हैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। ज़्यादातर तो मैंने जितने वीडियोस किए हैं वो सारे बेबी होने के वास्ते किए हैं। आज पहली बार मैं एक ऐसे विषय पर बोल रही हूँ कि जब आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और आप प्लानिंग करने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स, मतलब जैसे कि ओसी पिल्स जिसे हम कहते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे आपने मालाडी की जो टैबलेट आती हैं जो गवर्नमेंट से मिलती हैं, या आप खुद जाके लोएट नाम की दवाई, कितनी सारी है मार्केट में, तो जब आप वो दवाई लेने के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में बहुत सारी डाउट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। मैंने जब भी एडवाइस किया है पेशेंट्स को कि अभी आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तो आप ये पिल्स ले लो, तो एक रेजिस्टेंस सा होता है पेशेंट से कि नहीं, हम कोई दवाई तो नहीं लेना चाहते। तो मैंने सोचा आज समझा ही दूँ कि क्या क्या गलत फहमियाँ हैं। अब ये जो पिल्स है ना, ये 21 डेज की जनरली आती हैं। ये पिल्स आपको पीरियड के सेकंड थर्ड डे से रोज एक निर्धारित समय पे लेनी होती है, और वो लगातार रोज 21 डेज तक लेनी होती हैं। और उसके बाद जब पैकेट आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपको 3 या 4 दिन के बाद पीरियड आ जाता है। जब ये पीरियड आता है तो जनरली जो लड़कियाँ, जो लेडीज़ पिल्स ले रही हैं, उनके पीरियड्स काफ़ी कम फ्लो होता है उसमें, और पेन भी नहीं होता, और टाइम अपने को पहले से पता होता है कि टैबलेट ख़त्म हो गई तो उसके 3-4 दिन बाद आपको पीरियड आने वाला है। तो वैसे तो बहुत ही इजी है इनको लेने के लिए, लेकिन बहुत बार ऐसा समझा जाता है कि इसके वजह से वेट गेन होता है। तो क्या सच में वेट गेन होता है? देखो, ये टैबलेट में होते हैं हॉर्मोन्स, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दोनों ही हॉर्मोन्स थोड़ा वाटर रिटेंशन करने वाले हॉर्मोन्स होते हैं। तो जब वाटर रिटेंशन होता है तो थोड़ा सा आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो तक वजन ना बढ़ सकता है, लेकिन उसके ऊपर नहीं। उसके ऊपर अगर वजन बढ़ रहा है तो वो आपकी डाइट या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, उसके वजह से हो रहा है। पिल्स से 1.5 किलो तक मैं समझ सकती हूँ बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन, और ये कोई परमानेंट नहीं चीज़ होती है। आप जब पिल्स बंद करेंगे तो ये पानी निकल जाएगा और आपका वेट वापस नॉर्मल आ सकता है। तो ये कोई लॉन्ग टर्म वेट गेन वाला मसला नहीं है। अब दूसरी एक समझ है कि ये अनसेफ है पीरियड, ये जो पिल्स हैं इससे पहले तो आपको कैंसर होगा, फिर आपको आगे चल के बच्चा नहीं होगा। तो क्या ये सच है? तो देखो, आपको अगर पड़ी है वापस प्रेगनेंसी होने की चिंता, एकदम निर्धास्त रहिए, क्योंकि पिल्स के वजह से बाद में बेबी नहीं होगा ये पूरी तरह से गलतफहमी है, मिथ है। क्योंकि ये उल्टा तुम्हारा जो इरेगुलर पीरियड से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये इरेगुलर पीरियड्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, और तुम्हारा वापस रिदम पीरियड्स का वापस लाने में ये टैबलेट्स मदद करती हैं। तो इसके वजह से आपको प्रेगनेंसी में बाद में दुविधा नहीं आने वाली है, तो ये बिल्कुल आपके मन से ये डर हटा दीजिए। तीसरा, कि कैंसर होता है क्या? तो जहां तक देखा है कि ओवेरियन सिस्ट फॉर्मेशन वगैरह ये सब कुछ कम होता है, तो ऐसे सीधे सीधे जो कि हॉर्मोन्स कंटेंट जो आजकल की पिल्स में है उससे कैंसर नहीं होता, ये प्रूव हो चुका है। और अगर तुम 2 वर्ष के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए अगर लेना चाहते हो तो ये पूरी तरह से सेफ है। अगर बहुत लंबे अरसे तक लेने वाले हो तो शायद कुछ फर्क पड़ता होगा। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें जैसे लिवर डिजीज है या गठाने ब्लड में होने की संभावना है, ऐसे पेशेंट्स को तो हम डॉक्टर लोग उनको पिल्स देते ही नहीं है जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। कि क्या बेबी में भी डिफेक्ट्स होंगे ये उसके बाद प्रेगनेंसी होने में? इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। पिल्स लेना और बाद में बेबी में डिफेक्ट होना, अगर किसी अनफॉर्चुनेट लेडी को प्रेगनेंसी में समझ में आता है सोनोग्राफी में कि बेबी में कुछ डिफेक्ट है, तो वो सोचती है कि शायद मैंने पहले पिल्स लिए थे इसकी वजह से ये हुआ है, तो ये गलत है। डिफेक्ट्स होने की संभावना किन में ज़्यादा है? अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप अगर हाई एज में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपको ये बेबी के डिफेक्ट्स का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। ऐसा भी देखा गया है कि जो टीनेज अनमैरिड गर्ल्स हैं, मतलब अगर आप अनमैरिड हो और आप इमीडिएटली ऑब्वियसली प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो, तो आपके लिए
पिल्स लेना बेस्ट मेथड है, क्योंकि ये कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर आप कॉन्डम्स यूज़ करेंगे तो वो कंट्रोल आपके पार्टनर के हाथ में है, लेकिन टैबलेट्स लेना, ये कंट्रोल आपके हाथ में है। तो ये अनमैरिड लेडीज़ के लिए ये ओसी पिल्स जो है वो सबसे सेफ है। इससे आपके अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं तो वो भी सही हो जाएंगे, आपके अंदर सिस्ट फॉर्मेशन है तो भी ये नहीं होगा, आपके पीरियड्स बहुत पेनफुल है तो उसके लिए भी ये एक ट्रीटमेंट है। और इसका सक्सेस रेट जो है, मतलब आप ले रहे हो कि प्रेगनेंसी ना हो, तो ये पिल्स लेने के बाद फेलियर रेट बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही कम है। जैसे कि नेचुरल मेथड्स, कुछ लोग सोचते हैं कि हम नेचुरल मेथड से कंपेयर करेंगे इसको, कि हम फर्टाइल डेज फॉलो करेंगे या हम यू नो विड्रॉल मेथड है कि पूरी तरह से इंटरकोर्स नहीं करके विड्रॉल किया जाता है इजैक्युलेशन के टाइम पे, जब सीमेन बाहर निकलता है तो विड्रॉल किया जाता है। तो ये सब मेथड्स यूज़ करके हम अपना फैमिली प्लानिंग कर लेंगे, टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं। तो इसका दोनों का मेथड का कंपैरिजन नहीं है। आपको प्लान करके, जब आपको प्रेगनेंसी जब आप चाहिए हो तो आप ये पिल्स बंद करके आपकी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अभी इसी विषय में अगर आपकी कोई शंका है, क्योंकि मैंने तो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में बता ही दिया है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई शंका है, कोई डाउट है, तो हमने नीचे जो कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम उसमें ज़रूर आंसर कर देंगे। हमारा नंबर भी है, आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, थैंक यू।